सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 28 मई के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री 2019 किसने जीत ली है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। लो भैया, आ गई आपकी इस साल की 6वीं फॉर्मूला वन ग्रैंड प्री 2019, मतलब मोनाको ग्रैंड प्री 2019, और इसकी किसने जीत ली है, लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। सेकेंड नंबर पे कौन है, एस वेट्टल, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। और तीसरे नंबर पे कौन आ गए, वोल्टेरी बोटास आ गए, जो कि फिर से मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अच्छा देखो, कहने को तो मैंने आपको 2019 में 6 फॉर्मूला वन रेसेस बता दी है, पर अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे ना, तो मैंने आपको एक शानदार ट्रिक बता रखी है, जिस ट्रिक की मदद से आप सारे विजेताओं के नाम याद रख सकते हो, और बड़ी बात, आप ये भी याद रख सकते हो कि किसने कौन सी वाली रेस जीती थी। तो एक बार चलो उसका रिवीजन कर ले। तो चलो पहले तो ये बताओ, कौन कौन सी फॉर्मूला वन रेसेस हो चुकी है। सबसे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, फिर हुई बहरीन ग्रैंड प्री, फिर आई चाइनीज ग्रैंड प्री, फिर अजरबैजान ग्रैंड प्री, फिर पिछली बार स्पेनिश ग्रैंड प्री, और अब मोनाको ग्रैंड प्री। अच्छा गुरुजी, आप जल्दी से वो ट्रिक रिवाइज करवा दो। चलो देखो, रिवाइज क्या करवाऊँ, हमने देखा 6 फॉर्मूला वन रेसेस हो गई, लेकिन अभी तक 2 ही विजेता रहे हैं, लुइस हैमिल्टन और वोल्टेरी बेटास। बार बार कोई, कभी लुइस हैमिल्टन, कभी वोल्टेरी, कभी वोल्टेरी, कभी लुइस हैमिल्टन। अब प्रॉब्लम ये है कि किसने कौन सी रेस जीती है। तो इसके लिए क्या ट्रिक थी हमारी, इनमें से देखो जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ना, वो किसने जीती है, वोल्टेरी बोटास ने, यानी कि ए से ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीती, वोल्टेरी बोटास ने जीती है। आगे देखो, बहरीन में ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये चाइनीज में ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये तो लुइस ने जीती है। अगला देखो, अजरबैजान ए से चालू हो रहा है, तो ये जीती है वोल्टेरी बोटास ने। बाकी स्पेनिश और मोनाको ए से और एम से चालू हो रहे हैं, तो ये किसने जीती है, लुइस ने। समझ में आ गया आपको ट्रिक क्या है, कितनी शानदार ट्रिक है, समझ में आ रहा है ना। और ये सारे के सारे मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं दोनों, तो सारी की सारी रेसेस मर्सिडीज वाले ने ही जीती है। अच्छा देखो, आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना कि ऑस्ट्रिया के पूर्व फॉर्मूला वन ड्राइवर का निधन हो गया है। क्या नाम था उनका, निक्की लॉडा उनका नाम था, तो उनका नाम भी याद रखना है आपको। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला था कि मंथ के एंड में आप लोग तैयार रहना, क्योंकि मोनेको ग्रैंड प्री आने वाली है, तो उसके नाम हमें याद रख ले हैं। लो आ गई ग्रैंड प्री, और हमने उसके नाम भी याद रख लिए ना। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपको कैनेडियन ग्रैंड प्री के विनर के नाम भी बताऊंगा, तो आप तैयार रहना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीएस गोले। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, और उसी के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तो उनमें से एक है सिक्किम, जहां के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, पीएस गोले। अच्छा ये है किस पार्टी से, तो एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं, ये 2013 में ही बनी थी। अच्छा याद रखना, सिक्किम के जो नए मुख्यमंत्री बने ना, कई जगह आपको इनका नाम पी एस तमांग भी लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअली में इनका नाम यही है, पी एस तमांग, प्रेम सिंह तमांग, लेकिन ये पॉपुलर पी एस गोले के नाम से हैं। तो चाहे पी एस गोले आ जाए, चाहे पी एस तमांग आ जाए, ये दोनों एक ही इंसान है, जो कि बन गए हैं सिक्किम के नए मुख्यमंत्री। अच्छा इनसे पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन थे, पवन कुमार चामलिंग थे, और मैंने कई बार आपको बताया है ये एक चीज के लिए फेमस थे, अब तक के सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने वाले मुख्यमंत्री थे, कौन, पवन कुमार चांगलिंग, पर अब वो हार गए हैं पीएस गोले से, जो कि 2013 में बनी हुई पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से हैं, एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। तो ऑप्शन बी है जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने अभी, और किस पार्टी से हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। और ऑप्शन सी क्या है, नवीन पटनायक, ये 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, किस पार्टी से हैं, ये बीजेडी पार्टी से, बीजू जनता दल पार्टी से। ऑप्शन डी क्या है, चंद्रानी मुर्मू है, लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद बनी है ये, मात्र 25 साल इनकी उम्र है, कल ही मैंने आपको बताया था। अच्छा किस पार्टी से है, बीजेडी पार्टी से है, और उड़ीसा के कौनझार क्षेत्र से ये विजेता रही है। अच्छा बात हो रही है सिक्किम की, तो ये रहा मैप में सिक्किम, कैपिटल क्या है, गंगटोक है, गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद है, और सीएम कौन बन गए हैं, पीएस गोले या पीएस तमांग, आप इन्हें बोल दो, किस पार्टी से हैं, एसकेएम पार्टी से हैं। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट आपका इंडिया का कौन सा है, तो क्या आंसर दोगे, सिक्किम आंसर देना, लेकिन अगर आपसे पूछे ना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री कौन सी है, तो फिर भूटान आंसर देना। अच्छा एसबीआई क्लर्क 2016 में एक बार पूछा था गुरु डोंगमार लेक कहां पर है, तो फिर आंसर क्या होगा, सिक्किम होगा। अच्छा एसबीआई क्लर्क 2016 में ही किसी और शिफ्ट में पूछा गया था चांगू झील, या फिर उसे ही कहते हैं सोमगो झील, टी साइलेंट है, सोमगो झील, ये कहां पर है, सिक्किम में है। अच्छा आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो चाइना, नेपाल और भूटान
तीनों की बॉर्डर को टच करता है, तो फिर आपका फिर से आंसर होगा, अच्छा नाथुला दर्रा कहाँ पर है, ये तो मैंने पजल वाले में भी पूछा हुआ है, आंसर होगा सिक्किम में। अच्छा याद रखना, भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि शौच मुक्त राज्य कौन सा है, पहला सिक्किम ही है। अच्छा कंचनजंगा आपको पता है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। और कंचनजंगा से फिर याद आना चाहिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। अच्छा कंचनजंगा को काजीरंगा से मिक्स मत कर देना, कंचनजंगा सिक्किम में है और काजीरंगा असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अच्छा आपको पता है ना, वन फैमिली वन जॉब योजना, ये सिक्किम शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। मतलब क्या है, जॉब हर घर में से एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी बंदे को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, आपको उनका नाम बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन है पीटर ओनिल। तो पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री थे पीटर ओनिल और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जूलियस चेन को सत्ता की बागडोर संभाला दी है। ये जो जूलियस चेन है ना, ये दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अच्छा ऑप्शन बी क्या है, जीन मिशेल, हेती के नए प्रधानमंत्री बने थे कौन, जीन मिशेल। ऑप्शन सी क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू, आपको पता है ना इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए और ये पांचवी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ये जैसे ही पांचवा अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे ना, ये इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अगला क्या है, ऑप्शन डी अजाली असमानी, कोमोरोस के राष्ट्रपति बने थे कौन, अजाली असमानी। अच्छा पपुआ न्यू गिनी कहाँ पर है, ये रहा पपुआ न्यू गिनी। कैपिटल क्या है, पोर्ट मॉरिसबी और करेंसी क्या है, पपुआ न्यू गिनी कीना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। अगर इसको और क्लियर बोलूं तो 10 मीटर एयर राइफल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपूर्वी चंदेला ने। अच्छा देखो, सबसे बेसिक प्रश्न आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप ये चल कहां पे रहा है, तो आप मुझे इसका आंसर दो। चलो मैं आपको इसका हिंट देता हूं, आप ये वहां पे चल रहा है जहां पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। अब मुझे आंसर दो, आंसर होगा म्यूनिक जर्मनी में, जिसमें जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा आप कंफ्यूज मत हो ना कि ISSF वर्ल्ड कप तो पिछले महीने ही हमने पढ़ा था, तो आपको बता दूं ये साल की तीसरी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप है। पहला हुआ था आपने पढ़ा होगा फरवरी में दिल्ली में हुआ था, फिर दूसरा अपने अप्रैल में पड़ा होगा बीजिंग चाइना में हुआ था और अब तीसरा म्यूनिक जर्मनी में हो रहा है, जिसमें वुमेन सिंगल 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दूं ये इनका इस साल का दूसरा गोल्ड है, पहला इन्होंने दिल्ली में जीता था और अभी दूसरा इन्होंने म्यूनिक जर्मनी में जीता है। इस साल का तो दूसरा गोल्ड मेडल है, इनके जीवन का चौथा गोल्ड मेडल है। अच्छा बात हुई है ISSF की, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, स्थापना हुई थी 1907 में, हेडक्वार्टर बताया मैंने म्यूनिक जर्मनी में और इसके प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर ल्यूसिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सुदीर्मन कप किसने जीता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चाइना ने। अच्छा आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सुदीर्मन कप है किस खेल से संबंधित, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये 11वीं बार चाइना ने जीत लिया है जापान को हरा करके। अच्छा ये हुआ कहाँ पे था, तो ये नेनिंग में हुआ था, नेनिंग चाइना की एक सिटी है। अच्छा आपको बता दूं ये अभी तक 16 बार इवेंट हो चुका है सुदीर्मन कप का, जिसमें से 11 बार चाइना ने जीत लिया है, जापान ने एक भी बार नहीं जीता, 4 बार साउथ कोरिया ने जीत लिया, इंडोनेशिया ने एक बार जीत लिया। अच्छा बात हुई है चाइना की, तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल क्या है, बीजिंग है। अच्छा बीजिंग से याद आता है SBI क्लर्क में पूछा गया था AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो AIIB का मतलब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में ही है। करेंसी क्या है, रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अच्छा आप मुझे बताओ, भारत और चाइना की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, उसी तरह से चाइना और इंडिया की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। अच्छा एक और प्रश्न का आप मुझे जवाब दो, दुनिया में 5G शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना, तो जो चाइना है ना उसके शंघाई का होंगकू बना है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में 5G शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो फिर आंसर क्या दोगे, साउथ कोरिया दोगे। अच्छा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2022 ये होंगे कहाँ पे, तो हांगकांग चीन में होंगे। अच्छा अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं कि 2023 के एशियन फुटबॉल कप ये कहाँ पे होंगे, तो ये भी याद रखना चाइना में होंगे। इसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नए जापानी सम्राट से मिलने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, जापान के नए राजा का नाम, नए सम्राट का नाम क्या है? तो आंसर होगा नारुहितो। तो नए जापानी सम्राट नारुहितो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, बात हुई है जापान की, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो है। अच्छा, टोक्यो से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी 2020 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे? जापान टोक्यो में होंगे। और 2019 का G20 समिट ये कहाँ पे होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी जून में होगा, जे से जापान में, जापान के ओसाका में होगा। करेंसी है येन, पीएम है शिंजो अबे। अच्छा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और मैं आपको कई बार बताया है कि सूर्योदय के देश के नाम से, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। और ये पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था कि उनके एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी तरह से ब्रिटेन को क्या इस नाम से जाना जाता है? डूबते सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैंने कहा नए राजा कौन बन गए? नारुहितो। तो अभी इनके राजा बनने से जो जापान का नया युग शुरू हुआ है ना, उस नए युग का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या नाम है? रीवा युग। पहले था हायसी युग, जब राजा थे अकिहितो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा ने। तो नई दिल्ली में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, कौन? नवीन पटनायक जी ने घोषणा की है कि पुरुष और महिला दोनों भारतीय हॉकी टीमों को उड़ीसा सरकार स्पॉन्सर करेगी, और वो भी पूरे 5 सालों के लिए। अब उड़ीसा सरकार स्पॉन्सर करेगी तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। गवर्नर है गणेशी लाल, और नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक, 5वीं बार बने हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी 1 अप्रैल को अपन ने क्या मनाया था? उड़ीसा दिवस, यानी कि उत्कल दिवस के रूप में मनाया था। और इसी दिन, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को ही उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया था। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी वर्ष के साथ बताओ, तो 1 अप्रैल 1936 को, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको लिंक करके 2 पॉइंट याद करवाए थे। RBI का स्थापना दिवस कब है, साल के साथ बताओ, 1 अप्रैल 1935 को। तो इस तरह से आपको दोनों चीजें याद रहेंगी। अच्छा, उड़ीसा में था जो व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे कर दिया गया। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक पगोड़ा किस टेंपल को कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो आंसर होगा कोणार्क सन टेंपल को, जो कि उड़ीसा में है। और याद रखना, कोणार्क सन टेंपल मैंने आपको कल भी बताया था, 10 रुपए का जो आपका नया नोट आया था ना, उसके पीछे इसी का चित्र अंकित है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि 20 रुपए के नोट अभी जो आएगा उसके पीछे कौन सा चित्र अंकित है, तो आपने सबने बताया था एलोरा की गुफाएं हैं। ये कहां पर है एलोरा की गुफाएं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अच्छा, SBI क्लर्क 2018 में पूछा गया था हीराकुड डैम कहां पर है, तो उड़ीसा में है। किस नदी पे है? महानदी पे है। याद रखना, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम ही है। अच्छा, SBI क्लर्क 2016 में ये भी पूछा गया था कि बाराबत्ती स्टेडियम कहां पर है, तो कटक उड़ीसा में है। और ये प्रश्न अभी आपके RPF वगैरह के पेपर में भी आ चुका है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था। अच्छा देखो, यहाँ पे जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसे कहते हैं चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, या फिर लेगून झील आप इसे बोल सकते हो, यही है चिल्का लेक, उड़ीसा की खारे पानी की लेक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सेकी सुई ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महेश मंगा ओंकर ने। अच्छा, ये सेकी सुई ओपन एक स्क्वेश टूर्नामेंट है। स्क्वेश गेम तो समझते हो ना आप, जैसे कि एक प्लेयर है, उसके हाथ में बैडमिंटन है, वो बॉल को मारता है, सामने बॉल जाती है, दीवार पर टकराती है और वापस उसके पास आती है, इस गेम को कहते हैं स्क्वेश। तो भारत के स्क्वेश प्लेयर महेश मंगा ओंकर ने जीत लिया है सेकी सुई स्क्वेश ओपन का टाइटल। अच्छा, ये सेकी सुई ओपन टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, तो स्विट्जरलैंड के क्रेन्स में ये हुआ था। अच्छा देखो, जब भी स्क्वेश की बात आती है, आपको एक इम्पॉर्टेंट नाम याद आना चाहिए, सौरव घोषाल का। क्या बात है गुरुजी इसमें, तो ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने PSA यानी कि प्रोफेशनल स्क्वेश एसोसिएशन की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में आने वाले। इनकी रैंक कितनी आई? 10 नंबर की ही इनकी रैंक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला ब्लॉकचेन जिला बनेगा?
सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना में। तो देश का पहला ब्लॉकचेन जिला तेलंगाना के हैदराबाद में बनेगा, मतलब अब तेलंगाना ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन कंपनीज को अपने यहाँ पर आकर बिजनेस करने के लिए इनवाइट कर रही है और यहाँ पे लोगों को ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अच्छा, ये ब्लॉकचेन क्या होता है? देखो, क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताई थी, तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हो तो उसको ट्रांसफर करने में जिस सिस्टम का यूज इस्तेमाल लिया जाता है वो कहा जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम को। अच्छा देखो, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना के लिए तेलंगाना सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा टेक महिंद्रा के साथ। ये आपने 2018 में पढ़ा होगा जब इसने इसके साथ समझौता किया था। बात हुई है तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। पता है ना, भारत का सबसे नया आपका राज्य है, 29th नंबर का। कब बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है ESL नरसिम्हा। अच्छा, IIT हैदराबाद की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में BTech शुरू करने वाला भारत का पहला इंस्टीट्यूट है और विश्व का 3rd नंबर का इंस्टीट्यूट है। उसी तरह से भारत का पहला नेशनल पार्क फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए ये कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में ही खुला है। 2018 में इनॉग्रेशन हो गया था इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में द हिंदू के नए CEO कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी LV नवनीत। तो LV नवनीत 1 जून से द हिंदू के नए CEO बन जाएंगे। ये राजीव सी लोचन का स्थान लेंगे जो 1 जून को रिटायर्ड होने वाले हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? जोखा अलार्थी। आपको पता होगा 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था इन्होंने, जोखा अलार्थी ने। यह है कहाँ से? ओमान की हैं। और किस उपन्यास के लिए जीता था? तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था इन्होंने 2019 का मेन बुकर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ऑप्शन बी क्या है? नलिनी मालानी। 2019 का जोआन मीरो पुरस्कार इन्होंने जीता था, कल परसों ही मैंने आपको बताया था। ऑप्शन डी क्या है? डॉक्टर हेमा दिवाकर। तो ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 का अवार्ड जीता था हेमा दिवाकर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25 से अधिक राज्यों और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कितने रुपए का पर्यावरण मुआवजा देने के लिए कहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1-1 करोड़ रुपए। तो एक्चुअल में 25 से अधिक राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को उनके यहाँ पे जो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, वो उसका निपटान कैसे करेंगे, मतलब इतने कचरे को वो ठिकाने कैसे लगाएंगे, इसके लिए उनके पास क्या योजना है? तो राज्यों को ये रिपोर्ट देनी थी 30 अप्रैल तक, पर उन्होंने नहीं दी। तो अब NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भैया, जिन सभी राज्यों ने रिपोर्ट नहीं दी है ना, वो अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 1-1 करोड़ रुपए प्रति माह से मुआवजा देंगे। अच्छा, ये किसने कहा? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आदर्श कुमार गोयल है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरू देवगन का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये एक्शन कोरियोग्राफर थे। तो बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर कौन? वीरू देवगन का भी हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। इन्होंने 80 से ज़्यादा मूवीज में लड़ाई में एक्शन सीन्स में काम किया है, जैसे कि फूल और कांटे इनकी फेमस मूवी है, मिस्टर इंडिया हो गया, हिम्मत वाला हो गया और भी बहुत सारी। अब देखेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि हाल ही में विशालकाय भित्ति चित्र का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपने में से ज्यादातर ने ऑस्ट्रेलिया के डिटेल भी लिखे हैं, जैसे कि इसकी स्टैटिक, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, पजल सॉल्व कर लें अब। अच्छा, जो इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद वीडियो को फिर से ऑन करना है, फिर मैं आपको उनको सॉल्व कराऊंगा और आपको चेक करना है जो आपने क्वेश्चन करे हैं वो सारे सही है या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये रहे पजल के क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूं, पर यहाँ पे नहीं, पजल वाले वीडियो में, वहां पे आराम से इसको मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। अच्छा गुरुजी, ये पजल का वीडियो कहाँ पर है, अब वह कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना होगा? अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब बैटर बिटाई मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा, जैसे ही अभी वो आएगा, अभी आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाओगे। अभी वो आ जाएगा, वो आए उससे पहले मैं आप लोगों से कह दूं, एक बार चेक कर लो, आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया हो, आप भूले
नहीं हो। और अगर आपको जो आज का हमारा प्रश्न है अगर ये आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। अब आपका यहाँ पे पजल का वीडियो दिख गया होगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। लाइक और शेयर करना मत भूलना, फिर से कह रहा हूँ। चलो मिलते हैं पजल वाले वीडियो पे।